नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में जाप को जीत मिली है और उसके बाद अब देखिए पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। दरअसल उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया है, उस पर उन्होंने लिखा है कि ये सिर्फ जीत नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप अपनी स्क्रीन पर पप्पू यादव के ट्विटर पेज को देख रहे हैं, साफ तौर पर लिखा हुआ है कि ये सिर्फ जीत नहीं बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, संघर्ष अभी बहुत भारी है, यह सफलता महान गणितज्ञ डॉक्टर वशिष्ठ बाबू को समर्पित है। तो उन्होंने इस सफलता को डॉक्टर वशिष्ठ बाबू जिनकी अभी निधन हो गया कुछ दिन पहले, उनको समर्पित कर दिया। इसके साथ ही साथ वो देखते हैं कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में AISF JACP गठबंधन की विजय से हो गई नई शुरुआत। आगे थोड़ा सा शायराना अंदाज में उन्होंने लिखा है कि छात्र युवा बदलेंगे बिहार, बनाएंगे ऐसी सरकार जो देगी शिक्षा रोजगार, जन जन को अधिकार। तो जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव जिनका छात्र संगठन जो है वो पटना यूनिवर्सिटी में जीत दर्ज करने में कामयाब रहा, जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिलों में विश्वास पैदा करने में कामयाब रहा, और पप्पू यादव भी देर रात पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में मौजूद थे जिस वक्त जो प्रमाण पत्र है जो दिए जा रहे थे रास बिहारी जो कि कुलपति हैं उनके तरफ से, तो उस दौरान पप्पू यादव भी वहां पर मौजूद थे और जश्न में शामिल हो रहे थे। अपने युवा विंग के जो नेता हैं उनको उत्साहित कर रहे थे। आपको बता दें कि पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर रात को जब ये आई कि छात्र संघ चुनाव में जाप प्रमुख पप्पू यादव के पक्ष में फैसला आ गया। उनकी पार्टी के छात्र इकाई ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए यूनिवर्सिटी के दो पदों पर छात्र जाप को जीत दिलाई। छात्र जाप के वो PU के अध्यक्ष और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर विजय हासिल हुई। इसके साथ ही साथ उपाध्यक्ष पद पर छात्र राजद के निशांत यादव के बाजी मारने की खबर भी सामने आई और फिलहाल जो पटना यूनिवर्सिटी का छात्र संघ चुनाव हो रहा था उसमें छात्र राजद को बड़ी सफलता मिली है और इससे कहीं ना कहीं उत्साहित दिख रहे हैं पप्पू यादव। और पप्पू यादव ने साफ तौर पर शायराना अंदाज में ये कह भी दिया है कि बदलना है बिहार, ये जीत जो है वशिष्ठ नारायण सिंह जो कि गणितज्ञ थे जिनका निधन हो गया उनको भी समर्पित कर दिया। आप लाइव सिटी के साथ बने रहिए, हमको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।